उठा उठा। ओ क्या 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 करती रही तू? आपने कहा ना उठा उठा, तो सोफा उठा रही हूँ। अरे बावरी, सोफा नहीं, फोन उठा है, फोन उठा। अरे भगवान, कौन से ब्रह्म मुहूर्त में मेरी तुझसे शादी हुई थी? अरे वो जो अकाउंटेंट शिमला में छुट्टियां मना रहा है ना, उसको बोल रहा हूँ, फोन उठा है, फोन उठा। सॉरी सॉरी, आप काम कीजिए। हर्षद, आप ना सबसे बहुत ऐसे नरमी से पेश आते हो, इसलिए सब आपको इज्जत भी नहीं देते, आपका फोन भी नहीं उठाते। आप ना सबसे ऐसे रुबाब से बात किया करो, अकड़ के। हेलो। हाँ सर। अच्छा सुनना भाई, मुझे जल्द से जल्द है ना इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, वो दर्जन। हो जाएगा सर, एक महीना लगेगा। ओ भाई, जल्दी में जल्दी बोला, लेट में लेट नहीं। उतना टाइम तो लगेगा ही सर, आप अकेले क्लाइंट थोड़ी ना है, और 200 लोगों की फाइल संभालता हूँ मैं। रुबाब से बात कीजिए, उसको बोलिए मैं तुझे पेमेंट किस बात की देता हूँ। बोलिए बोलिए। क्या रे, पेमेंट किस बात की देता हूँ मैं तुझे? सर मुंह मत खुलवाओ, सिर्फ 20,000 देते हो आप, और काम कितना सारा है। उसे बोलिए मैं क्या तुझे 20 लाख रुपए दूँ? बोलिए। ये क्या रे, क्या नाटक कर रहा है तू? तेरे को क्या 20 लाख रुपए चाहिए? मार्केट में तुझ जैसे 200 अकाउंटेंट पड़े मेरा काम करने के। सुने, बहुत हो गया तेरा, मार्केट में तेरे जैसे 200 अकाउंटेंट पड़े मेरा काम करने के लिए। और तो और, अरे जो तेरे से भी कम पेमेंट में मेरा काम कर देंगे, समझे ना? चलर। अच्छा तो उन 200 में से किसी एक को पकड़ लो, आपकी फाइल बंद कर रहा हूँ मैं, दोबारा फोन मत करना। चल चल चल, आए तेरे से बहुत, समझे ना? क्या बात है, ऐसे ही रुबाब से बात कीजिएगा सबसे। अरे मारे को हर्षद अग्रवाल को दम दे रहा था ये जालत। जोश जोश में आके मैंने वो अकाउंटेंट को ना बोल दिया। अगर इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट का बंदोबस्त नहीं हुआ तो वो झालर दक्कू फाइन मार देगा मारे पे। ये सब तेरी वजह से हुआ है भावरी। और मैं तो आपको मेरे 8-bedroom हॉल किचन वाले भैया वाला आइडिया भी दे रही थी ना। तू क्या, अभी तेरा वो 8-bedroom हॉल किचन वाला भाई मेरा अकाउंटिंग का काम संभालेगा? हर्षद, श्रीनिवास अंकल। नहीं वो अकाउंटेंट थे ना, अकाउंटिंग का काम करते थे, तो वो आपका काम कर सकते हैं। विद्या जल्दी से नाश्ता देना। विद्या नहीं है, ट्यूशन पे गई है, अभी 5 मिनट में बना देती हूँ, रुक। मम्मी तू क्यों नाश्ता बना रही है? कौन बनाएगा पता है, तेरे पापा को ना पानी भी उबालना नहीं आता। ये विद्या को भी समझना चाहिए, पहले नाश्ता बनाती फिर क्लासेस के लिए जाती, अब वो नहीं है तो तुझे काम करना पड़ रहा है ना। वो ठीक है ना, क्यों कोस रहा है उसे? मैंने उसे कहा तुम्हें देर हो जाएगी, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी सब। क्या देख रहा है? कुछ नहीं, एक्चुअली कुछ याद आ गया। याद है बचपन में सुबह उठते ही श्रीनिवास को ऑफिस जाने की जल्दी होती थी, उनको 8 बजे निकलना होता था और मुझे स्कूल के लिए 9 बजे निकलना होता था, और फिर हम दोनों के जाने के बाद तू अकेले राजू को नहला धुला के उसको नाश्ता करवा के तैयार करती थी और 11 बजे तक उसको स्कूल भेजती थी। हाँ तो क्या हुआ, ज्यादातर हिंदुस्तानी माए ना यही करती। नहीं करती होंगी, लेकिन एक सवाल पूछना था तुझसे। बोल। कि तू मेरा, श्रीनिवास का, राजू का टिफिन बनाती थी, हम लोगों का नाश्ता बनाती थी, तो ये सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक क्या तुझे नाश्ता करने का टाइम मिलता था? नहीं करती थी ना? पता है आजकल ना वैसे भी वो एक कुछ नया डाइट निकला ना, 16 घंटे खाना नहीं खाना, फिर नाश्ता भी नहीं करना, इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो उस दिन तुझे सखी बता रही थी। हाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, आजकल उसे इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते, हमारे जमाने में ना उसे माँ का प्यार बोलते थे। अरे मेरी प्यारी माँ, तू ये सब करना बंद कर, तू बाजू में खड़ी रह, मुझे बता क्या करना है। मैं रहने। हाँ बोल क्या करना है,
ये प्याज। ओ श्रीनिवास, हाँ? वो पेपर की धूल बाद में साफ करना, पहले यहाँ पे आके प्याज काट दो जरा। प्याज? हाँ। हेलो 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 काका काका, आपकी मदद की जरूरत है। मदद? तुम्हारे अभी प्याज काटना है क्या? प्याज? नहीं नहीं नहीं, अरे आपसे आपसे काम है प्राइवेट में। आप अभी के अभी गार्डन आ सकते हैं क्या? मैं क्या कह रहा था काका? क्या? कि मारे को है ना आपसे काम। मैं जानता हूँ ये आपको अकाउंटिंग के बारे में अच्छी खासी जानकारी पता है। जानकारी है? अरे 35 साल मैंने अकाउंटेंट की नौकरी तो की है, अभी भी एडवांस फाइनेंस की किताबें पढ़ता हूँ। पैशन है, पैशन। क्या बात है? क्या है ना काका, हमारे को अर्जेंटली एक अकाउंटेंट की जरूरत है जो इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिलवा सके हमारे को। आपके ध्यान में कोई है सर जो मेरा ये काम कर सके? कोई है क्यों? अरे मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। इट्स वेरी इजी। क्या बात है काका, क्या बात है? ये तो बगल में चोरा और गांव में कॉलेरा। क्या कॉलेरा? बगल में चोरा, गांव में ढिंढोरा। हाँ लेकिन मेरे गांव में तो कॉलेरा हुआ था ना। जोक मारा, जोक मारा। ठीक है ठीक है, मैं देखो तुम्हारा काम हो जाएगा। मुझे बस अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। मिल जाएगा काका, मिल जाएगा। थैंक यू काका, थैंक यू। वो करते। ये कोलेरा क्या है? वो क्या बात है भाई, पूरा स्टोर खाली खाली क्यों दिख रहा है? कस्टमर कहाँ है? सर आप प्लीज पहले बैठिए ना, प्लीज। और सर ये देखिए। क्या है ये? सर आप प्लीज पहले देखिए तो सही। दोस्तों, एक हाउसवाइफ के जीवन में घर के सामान की खरीदारी करना उनके रूटीन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हमारे साथ है मिसेस वंदना वागले। इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ इस गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट में। तो मिसेस वंदना वागले, ऐसा क्या हुआ कि आपको धरने पर बैठना पड़ा? नमस्ते, मैं हूँ वंदना, बोरीवली में रहने वाले मैक्सिमम लोग इस गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट में अपने घर का सामान खरीदने के लिए आते हैं। ये वही लोग हैं जो यहाँ के कस्टमर्स बनके इस गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट का बिजनेस बढ़ाते हैं। लेकिन बदले में इस मार्ट का स्टाफ इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं कस्टमर्स के साथ बदतमीजी करता है, उन्हें ताने मारता है और मेन बात उन्हें जबरदस्ती अपने मार्ग की बनाई हुई थैली खरीदने पे मजबूर करता है। मतलब ये है अलका जी, ये इस गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट में सिर्फ 20 रुपए का साबुन खरीदने के लिए आई, लेकिन यहाँ के सेल्समैन ने इनके बिल में जबरदस्ती 20 रुपए की थैली भी ऐड कर दी। जब इन्होंने उस सेल्समैन को मना किया तो वो सेल्समैन इनके साथ बदतमीजी पे उतर आए और मजबूरी में अलका जी को ये गोल्ड फ्यूजन की थैली खरीदनी पड़ी। ये है शोभना जी, ये जब भी अपने घर का सामान खरीदने कहीं भी जाती है तो अपने घर से कपड़े की थैली लेकर जाती है, लेकिन जब शोभना जी ने गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट में शॉपिंग की तो यहाँ के सेल्समैन ने इनके साथ भी सेम चीज की, जबरदस्ती इनके बिल में 20 रुपए की थैली ऐड कर दी। जब शोभना जी ने उससे मना किया तो वो इनके साथ भी बदतमीजी पे उतर आया और इन्हें भी ये गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट की थैली खरीदने पे मजबूर किया। यहाँ शॉपिंग करने वाले सभी कस्टमर्स से मेरी रिक्वेस्ट कि प्लीज प्लीज इस गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट को बॉयकॉट करें, क्योंकि यहाँ काम करने वाले लोग अपने कस्टमर्स को सीरियसली नहीं लेते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं। जब यहाँ कस्टमर्स आने बंद होंगे तब यहाँ के स्टाफ को कस्टमर्स की वैल्यू समझ में आएगी, तब उन्हें समझ में आएगा दैट कस्टमर इज किंग। तो ये थी मिसेस वंदना वागले, आप सबसे अपील है कि गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट को सबक सिखाने के लिए इनकी दुकान से सामान खरीदना बंद कर दे। एड्रेस है गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट। सर ये वीडियो बोरीवली के हर फैमिली ग्रुप में,
हर सोसाइटी में वायरल हो चुका है। इतना वायरल कि ताजा खबरें नाम की बड़ी न्यूज एजेंसी भी इसे शेयर कर रही है। इसलिए शायद यहाँ पे सर ये माँ बेटी के घर का एड्रेस तो होगा ना तेरे पास? हाँ सर है ना, ये हमारे स्टोर के रेगुलर कस्टमर है और दो तीन बार उनके घर के यहाँ पर हमने डिलीवरी भी की है। अब तो इस माँ बेटी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ओ मम्मा 985 के व्यूज, आपका वीडियो तो 1 मिलियन टच करने वाला है। क्या बात है बंधु, सुपर यार, कांग्रेचुलेशंस। हाँ अच्छा सुनो ना रखी, ये 1 मिलियन व्यूज के बदले 1 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे। नहीं डैडी। क्या क्या रहा? अच्छा 1 मिलियन रुपीस। अरे डैडी जितने व्यूज उतने पैसे, ऐसे नहीं होता। और अगर ऐसे होता भी ना तो हमें नहीं मिलते, इस चैनल वालों को मिलते। कौन से चैनल को? ताजा खबरें एक डिजिटल न्यूज चैनल है, उन्होंने मम्मा का वीडियो पिक किया और उन्हीं के वजह से ये वीडियो घर घर पहुंच गया है। 985 के से 990 के व्यूज, वाओ। देखा कोरियर। आपका ही है मम्मी? अरे जल्दी खोल के पढ़, वो जशु भाई ने भेजा होगा, एक बड़ा ऑर्डर आया है ना मुझे, तो उसके लिए वो बोल रहे थे प्रोफेशनल तरीके से मुझे लेटर भेजेंगे। अथर्वा क्या खुद ही लेटर पढ़ते रहोगे? मुझे भी तो बताओ क्या लिखा है। मम्मी ये जस्सू अंकल ने नहीं भेजा है। तो ये गोल्ड फ्यूजन सुपरमार्ट के ओनर खुराना ने भेजा है। हाँ लेकिन लिखा क्या है उसमें? लीगल नोटिस है। हाँ लिखा है कि मम्मी ने उन्हें और उनके ब्रांड को बदनाम किया है, इसलिए वो मम्मी पे मानहानि का केस करके उन्हें कोर्ट ले जाएंगे। रिलैक्स। कैसे रिलैक्स करूं राज, लीगल नोटिस आया मुझे, मैंने क्या गलती की है? तुमने गलत को गलत कहा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मतलब कमाल है ना, आज के जमाने में कुछ अच्छा करना भी गलत है। क्योंकि बुराई मेजॉरिटी में है ना। लेकिन देखो अंत में ना जीत अच्छाई की होती है। ओके अंत में ही क्यों? क्योंकि जीत उस फल का नाम है जो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष नाम के पेड़ पर उगता है, और इस पेड़ को खाद की जरूरत है। खाद मतलब हिम्मत, इरादा और लोगों का साथ। इस आंदोलन में संघर्ष का बीज तो तुमने बो ही दिया, बस खाद डालती रहो, देखना जीत जरूर तुम्हारी होगी। कैसे होगी जब वो खुराना पेड़ काटने पे ही तुला हुआ है? मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने राज, घर की जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, वो जशु भाई के दिए हुए फूड ऑर्डर्स हैं, इन सब के बीच में मैं कहाँ कोर्ट के चक्कर लगाऊंगी? मुझे बस ये लड़ाई झगड़ा खत्म करना है। कैसे करोगी? खुराना से मिलके समझौता करके। लेकिन लड़ाई तुमने लड़ी है ना, तो फिर उसका पॉइंट क्या? पॉइंट है ना, पॉइंट अवेयरनेस फैला नहीं तो कहाँ, तो अवेयरनेस तो फैला है ना, मुझे अब ये लड़ाई झगड़ा और नहीं करना है। ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं नहीं जरूरत नहीं है राज, ऑफिस में तुम्हारे एक अलग स्ट्रगल चल रहा है, तुम उस पर फोकस करो, मैं मैनेज कर लूंगी। आई एम प्राउड ऑफ यू बाय द वे। अरे इतनी लड़ाई लड़ रहे हो ऑफिस में, इतना कुछ मैनेज कर रहे हो, फिर भी जब घर आते हो तो बच्चों के सामने चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आती है तुम्हारी। उसी के तुम अपनी लड़ाई लड़ो, मैं अपनी लड़ाई लड़ती हूँ।
राजेश सर, एसी चला दो, पसीने छूट रहे हैं। कंपनी की हालत भी कुछ ऐसी है, तो थोड़ा सहना पड़ेगा। हाँ मार्फत जी, अपडेट क्या बताइए? सर एक्चुअली रिजल्ट्स ठीक नहीं है, मतलब आपने जिन पोटेंशियल क्लाइंट्स की लिस्ट मुझे दी थी उनमें से एक भी क्लाइंट ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। व्हाट? यस सर। सर मार्केट बहुत टफ चल रहा है सर। बहाना बना रहे हो? नहीं नहीं सर, जेन्युइनली बोल रहा हूँ सर। मार्फतिया जी, मार्केट टफ ही होता है, उस टफ मार्केट में हम अपना रास्ता कैसे ढूंढ निकालते हैं ना, ये हमारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। आई नो, आई मीन मैं फिर से उन लोगों को कॉन्टेक्ट करने की ट्राई करता हूँ सर। हाँ सो ट्राई हार्डर। बट सर मुझे नहीं लगता कि वो लोग टच से मस होंगे। राजेश सर, और तो और रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से हमारे जितने भी पैकेजिंग वेंडर्स हैं ना, वो सब भी भाव तोल करने के लिए मना कर रहे हैं। साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर लिया, लेकिन जैसे ही बार्गेन करता हूँ मुझे कहते हैं भाव तोल करना है तो सब्जी मंडी जाओ। हाँ सर, और ट्रांसपोर्ट वालों से भी कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्होंने तो मेरे मुंह पे कह दिया कि आपकी कंपनी नुकसान में जा रही है तो उसका लॉस हम क्यों सहे। बाप रे, तो कैसे चलेगा, मतलब इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे? राजेश भाई। हाँ निक, आप सही कह रहे थे, शर्मा जी की कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल कर दी है। हमारी सारी पेंडिंग पेमेंट्स डूब जाएंगी। अब सारी उम्मीद कियारा की फंडिंग पर है। फंडिंग नहीं मिली तो आइए। नमस्ते 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 जी, बैठिए बैठिए आप तो। अरे प्लीज बैठिए ना, आराम से बैठिए, आप भी बैठिए मैडम, सब सब लोग बैठिए प्लीज जी, सब बैठिए आराम से बैठिए। हाँ सर अभी जी। आप सब लोग चौंक गए ना ये खाली स्टोर देखकर। तो क्या है मैडम, आजकल ना स्टोर में ना के बराबरी कस्टमर आते हैं, आपकी बदौलत। देखिए खुराना जी, गलती आपके स्टाफ की थी, इन्होंने इतनी बदतमीजी से बिहेव किया उस दिन की। अरे मैडम आप खुद बदतमीजी। चुप कर, वही कस्टमर है, सॉरी बोल। चल सर, पर आप मेरी साइड तो सुनी नहीं। जबान मत लड़ा, मैंने बोला सॉरी बोल। सॉरी, ये सॉरी बोला कि एहसान किया। चले काम कर, उठक बैठक कर। सर मैं उठक बैठक? तो एक कम सुनता है तू, मैंने बोला उठक बैठक कर, चलना। हाँ जी मैम, तो मैं क्या कह, ओए तू रुक क्यों गया भाई, तो जब तक मैं ना बोलू उठक बैठक कंटिन्यू कर। जी मैम, मैं ये कह रहा था कि देखिए इसने आपके साथ बदतमीजी की, उसने माफी भी मांग ली, उसे सजा भी मिल गई, है ना? ट्रस्ट मी, मैं सच में मानता हूं कि कस्टमर इज किंग, और मैं यहां आपकी सेवा के लिए तो बैठा हूं। थैंक यू खुराना जी, बस यही बात करनी थी। थैंक यू। थैंक यू। अरे अरे, पर अब जा कहां रही है? बैठिए ना, बैठिए बैठिए प्लीज, और थोड़ी छोटी छोटी बातें करनी, बैठिए प्लीज। ओए प्रकाश, तू भी रुक जा। मैं ये कह रहा था कि आपकी वजह से मेरी जो बदनामी हुई है उसकी सजा किसे मिलनी चाहिए। नहीं मैं मानता हूं, मैं मानता हूं कि कस्टमर इज किंग, ऑलवेज किंग, पर उसे किंग बनाता कौन है? प्रजा। तो किंग की भी कोई जिम्मेदारियां बनती है ना प्रजा के लिए। अगर प्रजा नाखुश हो गई तो किंग को कभी भी किसी भी वक्त अपनी गद्दी से उतार फेंकेंगे।
आप धमकी दे रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.